आसंता एक तारीख जाए अदालत बर्जन करिबे हाईकोर्ट आईनजीवी एने हाईकोर्ट बार आसोसीएसन बैठक में निष्पत्ति होईछि। एथिरे कटक सबु निम्न अदालत बार सामिल हेबा अनुरोध करा दैछि। हाईकोर्ट बार आसोसीएसन सभापति गोपाल कृष्ण महांती एही सूचना दैछन्ति। परवर्ती कार्यपंथा निर्धारण पाई उपदेष्टा कमिटी गठन होईछि। सेपटे अदालत अवमानना मामलें नवेम्बर 4 रे परवर्ती शुणाणी हेबो। जवाब दाखल पाई हाईकोर्ट 4 सप्ताह समय मागिथा बळे हाईकोर्ट फुल बेंच 15 दिन समय दैछन्ति। नवेम्बर 4 रे फुल बेंच रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। शताधिक आईनजीवी एथिरे पक्षभुक्त हेबाकु आवेदन करिथिले। ओडिसा हाईकोर्ट इतिहास रे प्रथम थर पाई गत 15 तारीख रे 14 जणिया पूर्ण खंडपीठ बसी बार विरोध रे अदालत अवमानना मामलार शुणाणी करिथिले। 14 जणिया खंडपीठ 68 बार आसोसीएसन समेत बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य आईनजीवी परिषद, मुख्य शासन सचिव, आईन सचिव, गृह सचिव को नोटिस जारी करिथिले। सोमवार सुधा जवाब रखा निर्देश दिया जायथिला। आमर आसंता 1/11/2019 रे परवर्ती जनरल बॉडी मीटिंग रे आमे आशा करूँ ता पूर्व आम जो रिपोर्ट बेसीस आमको आम एगेन्स्ट कंटेन्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कॉपी पाई जाइथिबु एवं से कॉपी रे आम एगेन्स्ट जहाँ एलिगेशन थिबो सेटा जनरल बॉडी रे तर्जमा हबो एवं जोटा यूनानिमसली डिसाइड करा जिवो से अनुसार आम कंटेन्ट प्रोसीडिंग को फेस करिवु। एडवाइजर कमिटी एवं एक्शन कमिटी आम आगु थिला। एक्शन कमिटी एंड एडवाइजर कमिटी को लेकर काली 11 बेले गोटे जरूरीकालीन बैठक हम परवर्ती कार्यपंथा कौली भाव चलो ताकू डिसाइड करा।